तुम्हारा अनुदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा ठोस खिलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव, आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है, वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है, अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं, पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान इस माह में कौन कौन से कृषि गत कार्य को करें। मुर्गियों की घातक बीमारी है रानीखेत, अपनाए रोकथाम के उपाय। अपने राज्य में किसान खेती और इससे जुड़े कई कार्यों को करते हैं, जिससे किसानों को अच्छी आय मिलती है। तो किसानों को चाहिए कि वे इस समय कृषि और इससे संबंधित कार्यों को करें, जिससे आपको अधिक लाभ मिल सके। तो किसान भाइयों, आप कृषि और इससे संबंधित कार्यों को इस माह में किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मई माह में किए जाने वाले कृषि कार्य, मिट्टी परीक्षण। मई जून माह में खेत खाली होने पर मिट्टी का नमूना लें। 3 वर्षों में एक बार अपने खेत का मिट्टी परीक्षण जरूर करवाएं, जिससे मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा और फसलों में कौन सी खाद कब और कितनी मात्रा में डालनी है इसका पता चल सके। एक खेत से प्राप्त मिट्टी के नमूने को आपस में मिलाकर नियम अनुसार उसमें से लगभग 500 ग्राम भार एक थैले में भरकर पूरे विवरण के साथ मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजें। गर्मी की जुताई। रबी फसलों की कटाई के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करना लाभदायक होगा, और गहरी जुताई भी 3 साल में एक बार जरूर करें। गर्मी की जुताई से खरपतवार की संख्या में कमी होती है, हानिकारक कीट रोग नष्ट हो जाते हैं और भूमि की पानी सोखने व रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। भंडारण के लिए गेहूं को कड़ी धूप में इतना सुखाना चाहिए कि उसमें नमी की मात्रा 8-10% से ज्यादा ना रहे। भंडारण से पहले भंडार घर में कीटनाशक का छिड़काव कर लें। मेलाथियान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर गोदाम के अंदर छिड़कना चाहिए। अनाज को बोरी में भरकर रखना हो तो पहले भूसी और सूखी नीम की पत्ती को बिछा दें, उसके बाद बोरों को दीवार से 50 सेंटीमीटर दूर रखें। सूरजमुखी। सूरजमुखी की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई और निराई गुड़ाई करें। इसके साथ ही पौधों पर 15 से 20 सेंटीमीटर मिट्टी भी चढ़ा दें। सूरजमुखी की फसल में इस समय परागण कीट कम आते हैं, इसलिए साफ कपड़ा लेकर हल्के हाथों से सभी फूलों पर हाथ फेर दें, जिससे दाने अधिक संख्या में बनेंगे और उपज भी बढ़ेगी। सूरजमुखी में हरे फुदके, बालदार सुंडी और तंबाकू की सुंडी के नियंत्रण के लिए प्रति हेक्टेयर फास्मे मेडान 250 मिलीलीटर 600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। मूंग उड़द लोबिया। गर्मी में बोई गई मूंग
उड़द और लोबिया की फसल में 12 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। मूंग और उड़द की फसल में पत्ती धब्बा रोग की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें या कार्बन डाइजिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। गन्ना। बसंत ऋतु के गन्ने में 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। ओट आने पर गुड़ाई करें और बरसात आने से पहले यूरिया का प्रयोग कर लें। अगोला बेधक की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास की 1.5 लीटर मात्रा 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। चारे की फसल। गर्मी में चारे के लिए मक्का, लोबिया और कई कटान वाली चरी की बुआई अभी भी की जा सकती है। मक्का और लोबिया मिलाकर बोने से अच्छी गुणवत्ता का चारा प्राप्त होता है। हरी खाद की फसलें। हरी खाद के लिए ढेंचा और सनई को बुआई भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है, इसलिए इसकी बुआई करें। इन फसलों से प्रति हेक्टेयर 50 से 70 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होती है। हरी खाद की फसलें 45 से 50 दिन में पलटने योग्य तैयार हो जाती है, इसलिए खरीफ फसलों की रोपाई या बुआई के समय को ध्यान में रखते हुए हरी खाद वाली फसलों की बुआई करें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़े हुए कुछ उपयोगी जानकारियां देखी, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बन रही है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शनिवार 1:30 बजे तक कांग्रेस 131, बीजेपी 66, जेडीएस 22 और अन्य 5 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कांग्रेस को बहुमत 113 के आंकड़े से 18 सीट ज्यादा मिलती दिख रही है। रुझानों में कांग्रेस को मिली बढ़त को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का जश्न शुरू हो गया है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मुर्गी पालन व्यवसाय में आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही हानि का सबब बन सकती है। मुर्गियों में कई घातक बीमारियों का प्रकोप होता है। मुर्गियों में ऐसी ही एक बीमारी है, रानी खेत। अगर ये बीमारी आपके मुर्गी फार्म में आ गई है तो इस पर नियंत्रण पाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो मुर्गी पालक भाई, इस बीमारी को कैसे पहचाने और रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में बता रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिराज गोयल। आज हम चर्चा करेंगे मुर्गियों में होने वाले प्रमुख रोगों, जिनमें बात करते हैं हम रानीखेत बीमारी की। रानीखेत बीमारी का दूसरा नाम न्यूकैसल डिसीज भी है। ये बीमारी विषाणु जनित है। इस बीमारी के आने पर एंटीबायोटिक का भी असर नहीं होता है। ये बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, मुर्गियों की सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम वाली बीमारी है। इसके फैलने पर 50% लेकर 100% तक मृत्यु दर संभावित रहती है। मुर्गी में रानी खेत रोग एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक रोग है।
यह रोग मुर्गी पालन की सबसे गंभीर विषाणु बीमारियों में से एक है। सर्वप्रथम वैज्ञानिकों ने वर्ष 1639 से 40 में उत्तराखंड भारत के रानीखेत शहर में चिन्हित किया था। इस रोग में श्वास नहीं ले पाने के कारण मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी विषाणुओं द्वारा फैलती है। वही बता दें कि रानीखेत रोग बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बत्तख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवा, गिनी आदि में देखने को मिलता है, लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि इस बीमारी को आप पहचानेंगे कैसे, इस बीमारी के क्या लक्षण हैं। जब कभी यह बीमारी का प्रकोप होता है तो सर्वप्रथम मुर्गियों में सर्दी और सांस तेज चलना, भूख कम लगना, कभी कभी दस्त लगना, इनकी कलगी का नीला हो जाना और फिर मुर्गियों में पंखों का और पैरों का पैरालिसिस हो जाना, ये प्रमुख लक्षण है। कई बार जब इस बीमारी का जो बहुत ही खतरनाक स्ट्रेन है वो अगर इसमें अटैक करता है आपके फार्म में तो एक से दो दिन के अंदर ही मुर्गियों में मृत्यु शुरू हो जाती है और चार से पाँच दिन में मृत्यु दर 100% तक भी पहुँच सकती है। रानी खेत रोग का संचरण पक्षियों में अन संक्रमित पक्षियों के मल, दूषित वायु और उनके दूषित पदार्थ के स्पर्श से फैलता है। इन रोग के लक्षण दिखाई देने के कुछ दिनों बाद पक्षियों की मौत हो जाती है। इस रोग से 30-40% तक मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। अभी वर्तमान में जैव सुरक्षा की भी बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि जब कभी बीमारी आती है तो किसी बाह्य स्रोत से ही आती है, तो किसान भाई हमेशा अपने फार्म में किसी भी बाहरी अपरिचित व्यक्ति को ना आने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर फुटपाथ का इस्तेमाल करें, इसका मतलब है जो फार्म का प्रवेश द्वार है वहाँ पर एक करीब 6 इंच गहरा टैंक बनाएं और उस टैंक में पानी में फिनॉल या कोई अच्छा डिसइंफेक्टेंट डालें, जिससे कि हम जब कभी बाहर से कोई व्यक्ति या कोई वाहन आता है तो उसके व्यक्ति के जूतों या वाहन के जो पहिए हैं उनका अच्छे से निर्जीवीकरण हो जाए। इसके अलावा मुर्गी पालक को सफाई संबंधी कार्य करने से इस रोग को काफी हद तक रोक सकते हैं, जैसे मुर्गी घर की सफाई, इनक्यूबेटर की सफाई, बर्तनों की सफाई आदि। रोगित पक्षियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और रोग से मरे हुए पक्षियों को गड्ढे में दबा देना या जला देना चाहिए। अगर ये बीमारी आ जाती है तो इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, तो सर्वप्रथम तो बीमारी के आने से रोकने के लिए टीकाकरण। 7 दिन की उम्र में, जब चूजा 7 दिन का होता है तो इसमें B1 या F1 नामक इस बीमारी का जो स्ट्रेन का टीका रहता है उसको लगाया जाता है। इसको लगाने की विधि है मुर्गी के नाक में या आँख में 2 बूंद ये टीके की मात्रा डाली जाती है। फिर 21 दिन की उम्र में लासोटा नामक इसका स्ट्रेन है उसको पीने के पानी में मिलाकर दिया जाता है। इसके उपरांत 56 दिन की उम्र में R2B नामक जो इसका स्ट्रेन है उसको मांस में इंट्रामस्कुलर रूट से मुर्गियों को दिया जाता है और इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है R2B स्ट्रेन की वो बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। इसके उपरांत आप नियमित रूप से 2 महीने के अंतराल पर रानीखेत का लासोटा नामक स्ट्रेन को आप इस्तेमाल करिए, पानी में मुर्गियों को दीजिए, जिससे कि आपके फ्लॉक में ये बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि एक विषाणु जनित बीमारी है तो इस विषाणु को रोकथाम तो बहुत हद तक नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसी स्थिति में मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और उनमें द्वितीयक इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए किसान भाइयों को एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके साथ साथ में कुछ जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं जैसे कि विटामिन सी है, विटामिन ई है और लिवर एक्सट्रैक्ट है, इनका जो प्रिपरेशन है वो उसको पानी में मिलाकर देना चाहिए। एंटीबायोटिक और इम्यूनो मॉड्यूलेटर के प्रयोग के द्वारा इस बीमारी के उपरांत जो द्वितीयक इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया या कई अन्य बीमारियों का प्रकोप हो सकता है, उसको भी नियंत्रित किया जा सकता है। मुर्गियों में रानीखेत रोग से बचाव के लिए किसानों और मुर्गी पालकों के पास सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। यह टीकाकरण स्वस्थ पक्षियों में सुबह के समय करना चाहिए और उन्हें रोग से प्रभावित पक्षियों से अलग कर देना चाहिए।
वैक्सीन की खुराक हमें पक्षियों की आंख और नाक से देनी चाहिए। अगर मुर्गी फार्म बड़े भाग में किया गया है तो वैक्सीन को पानी के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं। तो इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे किसान भाई तो अपने फार्म में इस रानीखेत बीमारी को आने से रोक सकेंगे, जिससे कि आपके आर्थिक हानि कम से कम हो। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बन रही है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शनिवार 1:30 बजे तक कांग्रेस 131, बीजेपी 66, जेडीएस 22 और अन्य 5 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कांग्रेस को बहुमत 113 के आंकड़े से 18 सीट ज्यादा मिलती दिख रही है। रुझानों में कांग्रेस को मिली बढ़त को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का जश्न शुरू हो गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने प्रदेश की जलवायु में कई प्रकार के मसाले वर्गीय फसलों की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है, बस जरूरत है इनकी खेती में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जाए। तो मसाला फसलों में जो किसान हल्दी की खेती करने की सोच रहे हैं, वे इसकी कौन सी किस्मों का चयन करें और इसकी बुआई किस तरह से करें ताकि अधिक पैदावार मिल सके, इस बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह। देखिए, हल्दी लगाने का मुख्य समय अभी चल रहा है, तो यह उपयुक्त समय चल रहा है। हल्दी में हमारा मुख्य रूप से अभी दो प्रभेद जो है, जिसको हम लोग राजेंद्र सोनिया और एक राजेंद्र सोनाली, यह प्रभेद हमारा बहुत ही अच्छा है और इसका उत्पादन क्षमता भी बहुत ही काफ़ी मतलब अच्छी है। इसमें अगर हम औसत उत्पादन की बात करें तो 400 से लेकर के 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हमारा इसका उत्पादन गया है और बहुत सारे हमारे किसान इसका बीज उत्पादन करके भी तैयार करके अन्य किसानों को भी दे रहे हैं, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। हल्दी की खेती करने के लिए 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से बीज की आवश्यकता होती है। मिश्रित फसल में 4 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई के लिए 7 से 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले कंद का चुनाव करें। कंद पर कम से कम 2 आंखें होनी चाहिए। बीज उपचार की विधि, प्रति लीटर पानी में 2.5 ग्राम थीरम या मैंकोजेब मिलाकर घोल तैयार करें। इस घोल में कंद को 30 से 35 मिनट तक भिगोकर रखें। बीज उपचार के बाद कंद को छांव में सुखाकर ही बुआई करें। हल्दी का उत्पादन सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है, परंतु मिट्टी में जल निकास उत्तम होना चाहिए। हल्दी की खेती करने के लिए दोमट, जलोढ़, जिसमें जीवांश की मात्रा अधिक हो, इसके लिए अति उत्तम होती है। हल्दी के लिए मुख्य रूप से कम 3-4 जुताई होनी चाहिए और 1-2 गहरी जुताई भी होनी चाहिए, और जुताई के समय हम अगर उसमें 300 क्विंटल गोबर का सड़ा हुआ खाद डालते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, कंपोस्ट अथवा बर्मी कंपोस्ट भी मिल जाए तो उसको भी डाल सकते हैं, लेकिन बर्मी कंपोस्ट का डोज थोड़ा कम होगा। इसमें मुख्य रूप से जो हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो जो हमारा मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, इसमें हम 100 से लेकर के 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और इसी तरह से हमारा 80 किलोग्राम पोटाश का
प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम व्यवहार करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन का आधी मात्रा बुआई के समय देना है और शेष जो आधी मात्रा है वो हम उपनिवेशन के रूप में हम एक तो बुआई के 40-45 दिन बाद और दूसरा हमारा 80 से 90 दिन के बाद हम मिट्टी चढ़ाने के बाद हम देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह फर्टिलाइजर का डोज होता है। हल्दी की बुआई समतल खेत और मेड़ दोनों ही प्रकार से की जा सकती है। पंक्तियों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और कंध से कंध के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। कंध की बुआई 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। और उसके अलावा जो लगाने का जो दूरी है, वह लगाने का दूरी हमारा मुख्य रूप से वैरायटी पर निर्भर करता है। अगर हमारा अच्छी किस्म का वैरायटी है तो उसको हम 30 से लेकर के 40 सेंटीमीटर लाइन से लाइन का दूरी रखते हैं और कंध से कंध का दूरी 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर पर हम कूड़ में लगाते हैं। तो इस प्रकार से इसको लगा सकते हैं। हल्दी की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को निकालते रहें। हल्दी में पहली निराई गुड़ाई 35 से 40 दिन के अंतराल पर करें, दूसरी निराई गुड़ाई 60 से 70 दिन के बाद करनी चाहिए। प्रत्येक निराई गुड़ाई के समय जड़ों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गाँव मलिकपुर जिला जयपुर के किसान छगन लाल ने। आप गर्भित पशुओं की देखभाल पर जानकारी चाहते हैं तो छगन लाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जब अपने पशु गाभिन होती है तो उसकी देख रेख करना बहुत आवश्यक होता है, उसको बहुत सावधानी से देख रेख करनी पड़ती है। जैसे कि जो गाय गाभिन हो गई है तो सबसे पहले जो हमसे गलती होती है कि हम लोग केवल अनुमान लगा लेते हैं कि मेरी गाय गाभिन हो चुकी है। इसके लिए सर्वप्रथम आपको पहल करनी है, जब AI करवाएं या कोई भी सार से ही गाभिन करवाएं तो 3 महीना पर मतलब 90 दिन के बाद उसको किसी पशु चिकित्सक को बुला कर उसका चेक करवा लें कि सही में गाभिन है कि नहीं। वो निश्चिंत होने के बाद समझें कि आपकी गाय गाभिन हो चुकी है, तब जाके नॉर्मल शेड्यूल में इसको चलाते रहें। जितना दूध दे रही उसके अनुसार इसको दाना देते रहना है। और 7वां महीना, जब 7वें महीने की गाभिन हो जाए तब इस पे स्पेशल प्रिकॉशन सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से गर्भवत पशु के गर्भ का विकास 6 से 7 माह के दौरान तीव्र गति से होता है, इसलिए उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। गर्भवत पशु को चराने के लिए अधिक दूर तक नहीं ले जाना चाहिए और उबड़ खाबड़ रास्तों पर नहीं घुमाना चाहिए। उठने बैठने के लिए पर्याप्त स्थान देने की जरूरत होती है। पशु जहां बंधा हो उसके पीछे के हिस्से का फर्श आगे से कुछ ऊँचा उठा होना चाहिए। लेकिन फिर भी मतलब कि उसके पहले भी 1-2 महीना पहले से भी कम से कम उसके घर के ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए स्पेशल प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता पड़ती है कि उसका घर जो हो वो स्लिपरी नहीं हो, मतलब जो सतह है वो फिसलने वाली नहीं हो। गाभिन पशु के लिए बहुत बड़ी दिक्कत करती है, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात होगी कि 7 महीने के बाद उसको मैक्सिमम कोशिश करें कि उसको ऐसी मतलब सूखा जगह पर ज़्यादा रखें और मुलायम जगह पर, खास करके 9वें महीने, जो 9वां महीना आ जाए कि 8 महीना पूरा हो गया है, 9वां महीना चलने लगी है, तब उसको अलग कर देना चाहिए, मतलब अलग कमरे में रखना चाहिए जहाँ पर कि मुलायम हो, ताकि एक दूसरे गाय से झगड़ा नहीं करे, एक दूसरे गाय को मारे नहीं। करना क्या है, जब तक दूध दे रही है तो उसके अनुसार दाना देना है, जो 1 किलो दूध पे 500 ग्राम दाना दी जाती है, इस हिसाब से उसको दाना मिलते रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो गाय है उसमें 1 महीना कम से कम 2 महीना पहले, ऐसे अब जो परिस्थिति आ गई 1 महीना पहले लोग दूध निकालना बंद कर देना चाहिए उसको। जब दूध निकालना बंद कर देते हैं, किसान भाइयों, गर्भित पशु को गर्भकाल के समय पूर्ण और संतुलित आहार देना चाहिए। गर्भित पशु को प्रतिदिन 25 से 30 किलो हरा चारा, सूखा चारा, 5 से 6 किलो खल्ली, 1 किलो खनिज मिश्रण, 50 ग्राम नमक, 30 ग्राम
और 45 से 60 लीटर स्वच्छ और ताजा पानी प्रतिदिन पीने के लिए अनिवार्य रूप से देना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग उसका दाना देना भी बंद कर देते हैं, केवल भूसे पे ले आते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है, उसको दाना उतनी कंटिन्यू रखना है और धीरे धीरे अंतिम जब बच्चा देने के समय आ जाए उस समय तक दाना बढ़ाकर इतना कर देना है जितना कि सबसे अधिक दूध देती थी उस समय दाना देते थे। मिनरल की मात्रा जरूर रखें, चूँकि उसके पेट में जो बच्चे बढ़ रहे हैं उस 7वें महीने से अधिक वृद्धि करती है, तो मिनरल की मात्रा कम से कम 50 ग्राम कंटिन्यू रखें इसको, ताकि उसका हड्डी जो बच्चे की हड्डी होती है उसको बनने में कैल्शियम फास्फोरस की आवश्यकता है, इसका मेंटेन रखें। और इसके साथ साथ इससे जो भी गाभिन पशु इसके लिए 24 घंटा पानी की व्यवस्था रखें आप, ताकि जब इच्छा हो उसको तो साफ स्वच्छ और मतलब फ्रेश पानी उसको उपलब्ध हो जाए, ताकि मन भर पानी पीते रहे, जिससे मतलब पशु स्वस्थ रहेगी और बच्चा भी स्वस्थ जन्म लेगी। इसके बाद आती है बच्चा देने के समय, यदि आपको मतलब कुछ लक्षण ऐसे दिखे कि अडर बहुत अच्छी ग्रोथ कर गई है तो अब बच्चा एक दो दिन में देगी, तब उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि उसमें 24 घंटा आपको ड्यूटी वहां पर देनी पड़ेगी। पशु को अगर बयाने में कोई परेशानी आए तो नजदीकी पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। बयाने के आधे घंटे के भीतर नवजात बच्चे को खिस अवश्य पिलाएं। प्रसव के बाद ही गाय भैंस को 2 से 3 बार काढ़ा, जिसमें अलसी 200 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम को 5 लीटर पानी में अच्छी तरह पकाकर उसमें 1 किलो गुड़ मिलाकर पिलाएं। ये काढ़ा पशु के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होता है। यदि पशु प्रसव के 12 घंटे के अंदर जीर नहीं गिराता तो आपको नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, तब आपको समस्या नहीं होगी। यदि छोड़ देते हैं तो अगली बार बहुत ज्यादा समस्या होती है। ये सब को सावधानी बरतते हुए यदि गाभिन पशु का ध्यान रखते हैं तो पशु अच्छी दूध भी देगी, अगली बार समस्या भी कम आएगी। था आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataRajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889263 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।